हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल विजय सपोर्ट में। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपसे बात करने वाला हूँ QVC टेस्ट मेडिकल जो कतर के लिए होता है वो है क्या, उसका प्रोसेस क्या है, वो कैसे बुकिंग करा जाता है, उसके लिए क्या क्या प्रक्रियाएँ हैं, QVC टेस्ट का जो अपॉइंटमेंट है वो कब लिया जाता है, किनके द्वारा लिया जाता है, कितना पैसे लगता है, इन सारी चीज़ों का डिटेल आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाला वीडियो आपको किसी ना किसी परेशानी के मिल जाए। और दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो दुबई टूरिस्ट वीज़ा के को लेकर मैं आने वाला हूँ कि विजिट वीज़ा जो दुबई का होता है वो कैसे निकाला जाता है, आप किस वेबसाइट पे जाके खुद से उस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो, उस वीज़ा में कितना पैसा लगेगा आपको जाने का, टूरिस्ट वीज़ा दुबई के लिए जो टूरिस्ट वीज़ा होता है उसको अप्लाई करने के लिए कितने पैसों की रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ये सारी चीज़ें अगले वीडियो में बताने वाला हूँ जो कि होगा दुबई टूरिस्ट वीज़ा के लिए। तो दोस्तों, अगर ये दुबई टूरिस्ट वीज़ा के रिगार्डिंग आप लोगों के मन में कोई भी सवाल हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले वीडियो में आप सभी का जवाब ले लिया जाए और आपकी क्वेरी को सॉल्व कर दिया जाए। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है QVC टेस्ट सेंटर को लेकर, कुल मिला के मैंने इसमें 6 टॉपिक कवर किया है और इसके अलावा रोजाना रेगुलर पूछे जाने वाले कुछ 25 से 30 क्वेश्चंस मैंने लिया है जो डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा और हमारे वेबसाइट पे भी आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ जो 6 क्वेश्चंस को मैंने सॉर्ट आउट किया है आपके लिए जो क्लियर हो जाए। पहला है QVC टेस्ट क्या है और किन के द्वारा कराया जाता है। दूसरा, QVC टेस्ट की आवश्यकता कब और क्यों पड़ी। तीसरा, नॉर्मल मेडिकल और QVC टेस्ट में क्या अंतर है। चौथा, QVC टेस्ट किस प्रकार के वीज़ा वालों का कराया जाता है। पांचवा, QVC टेस्ट अपॉइंटमेंट कैसे ले। छठा, QVC टेस्ट रिपोर्ट आने में कितना समय लगता है। चलिए दोस्तों, वन बाय वन इन सारे टॉपिक के बारे में मैं आपको बता दूं। चलिए तो दोस्तों, बात करते हैं पहले टॉपिक पे, QVC टेस्ट क्या है और किन के द्वारा कराया जाता है। तो QVC टेस्ट है क्या। QVC टेस्ट एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण प्रक्रिया है जो व्यक्ति कतर कंट्री में जाके जॉब करने का इच्छा रखता है और जिनका सिलेक्शन हो गया रहता है और वो एक वैलिड वीज़ा उन्हें प्राप्त हो रखा रहता है एम्प्लॉयर के थ्रू, और वीज़ा ऑनलाइन होने के बाद उस व्यक्ति का ये QVC टेस्ट होता है। तो QVC टेस्ट क्या है ये आपको पता चल गया। QVC टेस्ट किनके द्वारा करवाया जाता है। QVC टेस्ट दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर स्टेट ऑफ कतर गवर्नमेंट के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा करवाया जाता है और इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत, इस QVC टेस्ट के अंतर्गत काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होती हैं, बायोमेट्रिक एग्जामिनेशंस होती है, मेडिकल टेस्ट होती है, वो सारी चीज़ें इस टेस्ट के अंदर करवाया जाता है। मैं आगे इस वीडियो में मैं आपको वन बाय वन करके ये सारी चीज़ों को क्लियर कर दूंगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि QVC टेस्ट की आवश्यकता कब और क्यों पड़ी। तो दोस्तों, QVC टेस्ट की आवश्यकता साल 2018 में महसूस हुआ। QVC टेस्ट की पहली ब्रांच श्रीलंका में 12 अक्टूबर 2018 को ओपन हुई और नेक्स्ट ईयर मतलब 2019 में इसकी संख्या 8 देशों तक बढ़ा दी गई। इस 8 देशों में दोस्तों जो है वो इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, फिलीपींस और ट्यूनीशिया, इन 8 देशों में QVC सेंटर्स उपलब्ध हैं और इसके इन 8 देशों का जो वर्कर है कतर कंट्री में अगर जॉब करने के लिए जा रहा है तो उनको ये टेस्ट करवाना अनिवार्य है अपने देश के QVC सेंटर में जाके। अब दोस्तों बात करते हैं QVC टेस्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी। QVC टेस्ट की आवश्यकता पड़ने का मुख्य कारण है कर्मचारी और नियोक्ता, जो रिक्रूटर है और कैंडिडेट्स है उसके बीच समन्वय बढ़ाने का,
एक दूसरे को पहले ही ये सेटिस्फाइड कर देते हैं इस एग्रीमेंट, इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता है कैंडिडेट से, आप जब विजिट करेंगे अपॉइंटमेंट लेने के बाद QPC सेंटर में, तो इसके अंदर आपको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सारा कुछ बता दिया जाएगा और उस कॉन्ट्रैक्ट में सारा चीज़ क्लियरली दिखा रहेगा कि आपका ड्यूटी आवर क्या है, कितने घंटे काम करना है, सैलरी क्या है, किस काम के लिए जा रहा है, कौन से कंपनी में जा रही है, ये सारी चीज़ें आपको उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहेगा। तो आगे हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी बात करेंगे, अभी तो आवश्यकता क्यों पड़ी ये बता देता हूँ। और दूसरी सबसे बड़ी जो कारण था, पहले देखते थे नॉर्मल मेडिकल पे कैंडिडेट्स को भेज दिया जाता था और वहाँ पे पहुँचने के बाद कैंडिडेट्स को फॉल्ट पाया जाता, काफ़ी सारे जो एजेंट्स थे लोकल में रिक्रूटिंग, जिनके पास लाइसेंस है या जो ऑफिस खोल रखे हैं वो, और जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते वो तो गलत नहीं करते, बट जो काफ़ी सारे छोटे एजेंट होते जो घूम फिर के काम करते या बाहर से काम करते, वो लोग काफ़ी गलत करते थे, उनका काफ़ी सारा कंप्लेन आता था। वो करते ये थे कि गलत मेडिकल प्रोवाइड कर देते थे रिक्रूटिंग एजेंट को और उसके बेस पे फ्लाइट करवा देते थे, जब कैंडिडेट वहाँ पहुँचता था तो वो वहाँ जाके मेडिकल में अनफिट हो जाता था। तो इससे क्या होता था, जो एम्प्लॉयर है, जो कंपनी ले जाता था, उनको काफ़ी लॉसेस आती थी। जैसे फ्लाइट का पैसा, अगर टिकट वो कंपनी प्रोवाइड करती है तो वो कंपनी का लग गया, इमिग्रेशन का पैसा लग गया और भी काफ़ी सारा वीज़ा फीस वो लग जाता था और एक लेबर क्लियरेंस फीस होता है वो लग जाता था। कुल मिला के मीन्स अच्छा खासा पैसा उनको लग जाता था और वहाँ जाकर अगर कोई रिजेक्ट होकर वापस चला आ जाता है तो वो सारी की सारी लॉस होती थी। और उसके और ये होने के बाद रिक्रूटर रिक्रूटिंग एजेंसी के बीच एक मतभेद हो जाता था। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए गवर्नमेंट ने ये नया सिस्टम लॉन्च कर दिया। तो दोस्तों अब सवाल आता है कि कतर GCC कंट्री का मेंबर तो है ही, गल्फ काउंसिल कंट्री का तो मेंबर है, 8 देशों का ये काउंसिल है जिसका एक मेंबर ये भी, सॉरी 6 देशों का काउंसिल है जिसमें से एक मेंबर ये भी है। तो सारे देशों ने गमका मेडिकल को अपना लिया, बट इन्होंने एक अलग मेडिकल सिस्टम क्यों लॉन्च कर दिया। तो दोस्तों इस चीज़ को समझने के लिए हमें थोड़ा पास्ट में जाना पड़ेगा, बात करते हैं 2017 की। तो 2017 में आपने देखा होगा कि कतर को काफ़ी सारी कंट्रियों ने मिलकर बैन कर दिया था, मींस रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था कि आप बिजनेस नहीं कर सकते, आप हमारे समुद्र के रास्ते का यूज नहीं कर सकते, आप काफ़ी सारा सेक्शन लगा दिया था जिससे कतर को काफ़ी सारी हानि हुई थी। मोस्टली ये उन कतर को ही पता था कि सऊदी अरबिया का सबसे बड़ा रोल इस खेल में था, तो और जो कि GCC कंट्री को हेड करता है सऊदी अरबिया और GCC कंट्री का जो हेड ऑफिस है वो रियाद सऊदी अरबिया में, तो कतर को ये बात अच्छा से मालूम है अगर हमें आगे बढ़ना है तो सऊदी अरब से को या तो आंखें दिखा के चलो या सऊदी अरब से बच के चलो। तो कतर ने कहा चलो भैया आंखें बच के चलने से अच्छा है कि आंखें दिखा के चलते हैं, उनको उन्हीं के लैंग्वेज में उन्हीं के तरीके से अब जवाब देते हैं। तो GCC कंट्री का मेंबर होते हुए भी कतर ने अपना एक अलग ही मेडिकल सिस्टम लॉन्च कर दिया जिसे QVC टेस्ट के नाम से जाना जाता है और ये 2018 में लॉन्च किया गया। तो ये 2017 में जो इन पे सेक्शन लगा था उनको कतर डिप्लोमेटिक क्राइसिस के नाम से जाना जाता है। अगर आप गूगल में सर्च करोगे कतर डिप्लोमेटिक क्राइसिस तो आपको सारा डिटेल मिल जाएगा कि क्यों इस पे सेक्शन लगाया गया था, क्यों इन पे बैन किया गया था और किस किस कंट्री ने मिलके इनको बैन करा था। टोटल 13 कंट्री ने मिलके इस पे इस कतर पे बैन लगाया था, फिर भी कतर दबाव में नहीं आया और कतर उभर के सामने आ गया क्योंकि कतर के पास नेचुरल रिसोर्सेज काफ़ी सारा है। तो चलिए दोस्तों वापस आते हैं हम अपने टॉपिक पे। तीसरा टॉपिक है हमारा दोस्तों नॉर्मल मेडिकल और QVC टेस्ट में क्या अंतर है। तो दोस्तों नॉर्मल मेडिकल से मतलब है कि आपका सिलेक्शन होने के बाद और आपके वीज़ा प्रोसेस होने से पहले प्री मेडिकल करवाया जाता है, पैसा आप ही का लगेगा बट मेडिकल वो करवाएंगे आपको। उस मेडिकल के अंदर क्या क्या होता है वो मैं आगे बता रहा हूँ, वो टेस्ट करवाया जाता है बट इस मेडिकल में भी आपको फिट होना अनिवार्य है। दोस्तों ये जो प्री मेडिकल नॉर्मल मेडिकल होता है वीज़ा अप्लाई होने से पहले या वीज़ा प्रोसेस होने से पहले इनिशियल स्टेज में शुरुआत में सिलेक्शन होने के बाद, इसमें भी आपको फिट होना अनिवार्य है। इसका भी टेस्ट उसी प्रकार होता है जिस प्रकार QVC का टेस्ट होता है। तो जितने भी रिक्रूटिंग एजेंट हैं आज के डेट में या ऑफिस वाले जितने भी एजेंट हैं जो रिक्रूट करते हैं उनको सब पता है कि QVC में कौन कौन से मेडिकल टेस्ट होने वाला है ताकि बाद में जाके इशू ना, उनका $120 का कुछ
चार्जेस लगता है अगर आप अनफिट हो जाते QVC में जाके, तो इसीलिए वो अभी के डेट में मेडिकल अच्छे से करा के आपको वीज़ा प्रोसेस करवाते हैं अच्छे जगह से करवा के। अब किसी भी ऐसे अब सिस्टम थोड़ा ये चेंज हो गया है कि कतर में अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है तो रिक्रूटिंग एजेंट जो है अभी के थोड़ा अलर्ट हो गया है, वो आपका मेडिकल अच्छे जगह से करवाते हैं, या आपका अगर एजेंट जो लोकल वो करवाते हैं तो उनको बता दिया जाता है पहले ही कि ये गारंटी मेडिकल का सब आप ही का है। अगर वो अनफिट होने के कारण वापस आता है तो आपको जवाबदेही लेना पड़ेगा, तो एजेंट आपका लेता है जवाबदेही फिर वो काम करते हैं। कभी भी दोस्तों मेरा सजेशन रहेगा कि कभी भी आप विदेश जाएँ तो एक अच्छे एजेंट के पास से जाएँ, जिसको आप जानते हो, जिससे आपकी जान पहचान हो या रेफरेंस के थ्रू जो मिले वही अच्छा करते हैं, अदरवाइज़ काफ़ी सारे लुटेरे बैठे हैं निकल जाते हैं लूट के। खैर हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो QVC में नॉर्मल मेडिकल के अंदर होने वाला जो टेस्ट है दोस्तों, वो चेस्ट एक्सरे है, ब्लड टेस्ट है, एड्स का टेस्ट है, हेपेटाइटिस B, C, D इत्यादि का चेकअप किया जाता है। और इस टेस्ट में आने वाला जो खर्चा 1500 से 3000 तक किया जाता है। मैंने बताया था ना आपको अभी कि जो अलर्ट होने का मतलब ये हो गया कि अब 2 रुपया अगर ज़्यादा लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे मेडिकल सेंटर को भी एक दायित्व जवाबदेही लेना पड़ता है कि अगर कैंडिडेट्स अनफिट होकर वहाँ से आ जाता है या QVC में अनफिट हो जाता है तो कहीं ना कहीं जवाबदेही आपको थोड़ा लेना पड़ता है। तो इसीलिए काफ़ी सारे जो रिक्रूटिंग एजेंट हैं अच्छे मेडिकल सेंटर वाले को रेफ़र करते हैं, वो मर्जी आपकी होती है, आप कहीं से भी करवा सकते हैं। दोस्तों ये मेडिकल होने के बाद जब आप अगर आप फिट हो जाते हैं तो फिर आपका आपको वीज़ा प्रोसेस के लिए आगे डॉक्यूमेंट भेज दिया जाता है आफ्टर फिटनेस। उसके बाद इसी मेडिकल के बेस पे आपका वीज़ा इशू होता है, वीज़ा नंबर प्राप्त होता है, और वीज़ा इशू नहीं होता, वीज़ा नंबर इशू होता है। वीज़ा नंबर प्राप्त होने के बाद QVC का प्रोसेस चालू करा जाता है। अब बात करते हैं QVC टेस्ट। QVC टेस्ट वीज़ा नंबर ऑनलाइन होने के बाद वाला प्रक्रिया है। जब वीज़ा नंबर मिल जाता है तो नियोक्ता को लगभग $120, मैंने बताया था आपको, जब आपका वीज़ा नंबर मिल जाता है तो जो आपका एम्प्लॉयर है उसको $120 अपने इंटरनल एक्सटर्नल अफेयर को पे करना पड़ता है, उसके बाद वो आपको अपॉइंटमेंट प्रोवाइड करता है और QVC टेस्ट का सेंटर आपको प्रोवाइड करा जाता है। अब QVC टेस्ट के टोटल दोस्तों, अब QVC टेस्ट को 3 चरणों में बांटा गया है, वन बाय वन बात कर लेते हैं इस पर। पहला तो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट सिग्नेचर, जैसे ही आप जाएंगे तो वहाँ आपका जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है, जो आप जॉब लेने के समय जब आपका सिलेक्शन हुआ था वही सेम एग्रीमेंट आपको उस समय वहाँ पे मिलेगा, वो डिजिटली रहेगा कंप्यूटर के अंदर। आपको सारा चीज़ सैलरी से लेके ओवर टाइम छुट्टी के बारे में, ड्यूटी आवर्स के बारे में सारी चीज़ें आपको उस समय बताया जाएगा और आपसे डिजिटली साइन करवाया जाएगा उस डॉक्यूमेंट पर। आपको आपका साइन करने के बाद वो डॉक्यूमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इंडिया और एक्सटर्नल अफेयर आपका इंटीरियर एक्सटर्नल अफेयर जो कतर का है वहाँ प्रोवाइड कर दिया जाता है, और एक कॉपी आपका रिक्रूटर के पास जो कंपनी जहाँ जो आपको ले जा रही है उसके पास भी चला जाता है। तो ये हो गई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट सिग्नेचर वाली बात। अब कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट सिग्नेचर के बाद की जो टॉपिक है वो बायोमेट्रिक एग्जामिनेशन। अब बायोमेट्रिक एग्जामिनेशन में दोस्तों क्या होता है कि बायोमेट्रिक से पता ही लग रहा है कि ये एक डिजिटली प्रक्रिया होने वाला है, जैसे कि आपका फेस रिकॉग्नाइजेशन, आपकी आंखों का रिकॉग्नाइजेशन, मतलब आंखों के अंदर जो पुतली होती है आइरिस उसको बोलते हैं, उसका स्कैन करना, आधार कार्ड के समय आपने देखा होगा वही चीज़ है। उसके बाद आपका 10 उंगली का फिंगरप्रिंट, उसके बाद आपका सिग्नेचर करवा के उसको स्कैन करके डिजिटली सारी चीज़ों को अपलोड करा जाता है, वो डिटेल भी आपका एक्सटर्नल अफेयर इंडिया और वहाँ का जो विदेश मंत्रालय है कतर का वहाँ भी जाता है, वो ये दो जगह वो जाएगा, इसी के बेस पे वीज़ा प्रोसेस होगा। और इससे एक और उसको फ़ायदा मिलने वाला है, जैसे ही आप वीज़ा इशू होने के बाद सारा चीज़ आप फिट हो गए उसके बाद वीज़ा होगा, वो होने के बाद जैसे ही आप कतर एयरपोर्ट पे जाएंगे तो वहाँ ये सारी चीज़ें चेक करा जाएगा कि आपने जो डाटा दिया था वो आपसे मैच कर रहा है या नहीं। ये कह सकते हैं कि सिक्योरिटी भी है आपके लिए भी और उनके लिए भी। आपके लिए तो कितना है वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन उनके लिए 100% है। उनके लिए 100% ये ऐसे हैं कि जो आंखों का स्कैन हो गया, अंगूठों का स्कैन हो गया, ये कभी बदलता नहीं है। आप जैसे ही वहाँ पे जाएंगे वो आपके
डेटा से, आपके वीज़ा से उसको मिलान करेगा। अगर सही पाया गया तो ठीक है, आपको फिर काम कंपनी में जाने देगा। अगर गलत पाया गया तभी के तभी आपको एग्जिट कर देगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है मेडिकल टेस्ट की। QVC में कौन कौन सा मेडिकल टेस्ट किया जाता है। QVC मेडिकल टेस्ट में कैंडिडेट्स का विशेष रूप से मेडिकल किया जाता है, क्योंकि ये रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर स्टेट ऑफ कतर को प्रदान किया जाता है। इस मेडिकल टेस्ट के अंतर्गत कैंडिडेट्स का एक्सरे, ब्लड टेस्ट, हेपेटाइटिस बी सी डी, टर्बुकलसिस, एड्स इत्यादि का टेस्ट किया जाता है, और इसी टेस्ट के अंतर्गत कैंडिडेट का लेबर कार्ड बनाया जाता है। तो दोस्तों, अगर इसके अलावा भी कोई टेस्ट अगर करवाया जाता है, अगर आप QVC करवा रखे हैं पहले भी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं कि किस किस तरीके का टेस्ट और किस किस प्रकार से वो टेस्ट करवाया जाता है और कितना दिन लगता है ये प्रक्रिया होने में, प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं। अब जो हमारा दोस्तों चौथा टॉपिक है, QVC टेस्ट किस प्रकार के वीज़ा के लिए किया जाता है। दोस्तों, QVC टेस्ट वर्क वीज़ा वालों को किया जाता है। जो बंदा कतर में जॉब करने के मकसद से जा रहा है और उसके पास वैलिड वीज़ा है, मीन्स वीज़ा नंबर आ गया तो वीज़ा है आपका, तो आपका QVC टेस्ट होना अनिवार्य है। बिना QVC टेस्ट का आप कतर में एंट्री कभी नहीं कर सकते। अब दोस्तों, पांचवा नंबर है हमारा, QVC टेस्ट का अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं। दोस्तों, QVC टेस्ट का अपॉइंटमेंट जो होता है पूर्णतः ऑनलाइन है, वो पूरा ऑनलाइन है। ठीक है, अब QVC टेस्ट का अपॉइंटमेंट पूर्णतः ऑनलाइन प्रोसेस है। ये अपॉइंटमेंट आप QVC के वेबसाइट पर जाके बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, पर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने से पहले आपके पास वीज़ा का डिटेल होना अनिवार्य है, क्योंकि अपॉइंटमेंट के टाइम पे आपसे वीज़ा का डिटेल, पासपोर्ट का डिटेल इत्यादि मांगा जाता है। अपॉइंटमेंट लेना हालांकि है तो बहुत ही आसान, पर कई बार हमें पूरा जानकारी नहीं होने के कारण फॉर्म फिल करने में कठिनाई आती है। ऑफकोर्स आती है, नौकरी के लिए भी एक छोटा मोटा इंसान भरता है तो उनको भी पहली बार भर रहा होता है, तो भैया कैसे भरे, ये सारी चीज़ें पूछा जाता है। तो इससे अच्छा इनसे बचने के लिए ऐसा है, देखो ऐसे QVC टेस्ट के लिए जो अपॉइंटमेंट होता है वो तो आपको फॉर्म भरना नहीं होता, आपको लेना नहीं होता, वो आपका रिक्रूटर या आपका एम्प्लॉयर ले लेता है। क्योंकि जब आप ये फॉर्म अपॉइंटमेंट लेने के लिए भरते हैं ना, तभी आपसे $120 का पेमेंट भी लेता है। तो वो $120 का पेमेंट तो आप दोगे नहीं, क्योंकि आपसे जो भी पैसा लिया जा रहा है आपके एजेंट रिक्रूटर के द्वारा या रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा, उसी के अंदर सारा इंक्लूडेड है। तो $120 जो आपको नहीं देना है, वो क्या करेंगे, $120 एम्प्लॉयर अपना वहाँ पे पेड करेंगे, और एम्प्लॉयर ही आपसे वो पूछेंगे फ़ोन करके कि आपका नज़दीकी QVC सेंटर कितने दूर पे है और कौन सा है, और आप अवेलेबल मतलब फ्री कब है, कब उस सेंटर पे आप विजिट कर सकते हैं। आप जैसे ही उसे ये सारी चीज़ें बताएंगे, वो आपको बुक करके अपॉइंटमेंट स्लिप आपको प्रोवाइड कर देंगे। अपॉइंटमेंट स्लिप जैसे ही आपको मिल जाएगा, तो आपको अपना ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्रूटमेंट एजेंसी के पास से लेना अनिवार्य है। हो सकता है कुछ एडवांस वो आपसे ले ले, पास 10-15 हज़ार जो भी ले ले, वो आपको देखना है आपके रिक्रूटिंग एजेंसी के साथ क्या तालमेल है। उसके बाद आप को जैसे ही अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाए, डेट मिल जाए, तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि आप उस QVC सेंटर पे एक आध डेढ़ घंटा पहले ही पहुँच जाए, वो सही रहता है, नहीं तो आपको वापस भेज दिया जाएगा, फिर से एक नया डेट लेना पड़ेगा। अब छठे नंबर पे आते हैं दोस्तों, QVC टेस्ट की रिपोर्ट आने में कितना समय लगता है। तो दोस्तों, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, QVC टेस्ट का रिपोर्ट आने में इसका कोई निश्चित समय नहीं होता। कभी कभार 2 दिन में भी आ जाता है, 2 दिन तो नहीं, कभी कभार 5 दिन 7 दिन में भी आ जाता है, कभी कभार महीना भी लग जाता है। कारण उसका ये भी हो सकता है कि ये जो टेस्ट रिपोर्ट है ये बन के फिर एक्सटर्नल अफेयर इंडिया के पास जाता है सिग्नेचर होने के लिए, वहाँ से साइन होकर फिर QVC में आता है, और QVC में ये सारा चीज़ स्कैन करके फिर मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल वो कतर को जाता है, और वहाँ से फिर अप्रूव करके वीज़ा आपको बताते हैं। ये सारा चीज़ ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हो अगर आपके पास वीज़ा नंबर और पासपोर्ट का डिटेल है तो, या आप अपना एजेंट से भी ट्रैकिंग करवा सकते हो। और लेट होने का एक दूसरा कारण ये भी है कि कई बार क्या होता है ना, एक बार आपका अगर मेडिकल टेस्ट कर ले तो डॉक्टर जो होते हैं वो कन्फ्यूज़ होते हैं, उनको पता नहीं होता, मतलब उनको कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न रहता है कि इनका एक बार और टेस्ट किया जाए। तो कई कई बार मैंने देखा है
मेरे खुद के कैंडिडेट के साथ हुआ, उनको दो दो तीन तीन चार चार दफ़े बुला लिया गया और चारों बार उनका टेस्ट अगेन एंड अगेन रिपीट करा गया। और जब ये कंप्लीट हो गया तो उनको बता दिया गया ठीक है जी आपका कंप्लीट, आप जा सकते हो। जब ये ऐसे बोल दिया उसके बाद आप ऑनलाइन ट्रैक करते रहो, लग जाता है कभी कभार, किसी का किस्मत ख़राब है तो महीना दो महीना भी लग जाता है, हुआ है ऐसा, तभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये टोटल 6 टॉपिक्स था जिस पे मैं चाहता था कि आप लोगों को ब्रीफली बता दिया जाए। अगर इसमें से कोई कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट में बताएं, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आप ये भी मुझे बताएं कमेंट करके प्लीज़ कि QVC टेस्ट की रिपोर्ट आने में आपको कितना समय लगा था, या आपके जानने वालों को कितना समय लग गया था इसका रिपोर्ट आने में, आप प्लीज़ मुझे बताएं। दोस्तों इसके बाद कुछ मैंने रेगुलर पूछे जाने वाला क्वेश्चन लिया था, तो वैसे भी वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, तो मैं आपको अपना डिस्क्रिप्शन में भी ये सारी चीज़ें फ्रिक्वेंसली आस्क वाली जो है वो सारी प्रोवाइड कर दूंगा, और मेरे वेबसाइट पे भी आप विजिट करके ले सकते हैं। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी कमेंट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरा, और ईमेल आईडी भी मिल जाएगा, और मेरे चैनल पे भी आप कर सकते हो वो कमेंट, मैं बता दूंगा। और काफ़ी सारे इसमें हैं 30-35 रेगुलर पूछे जाने वाले हैं, जैसे कि क्या मैं किसी और का अपॉइंटमेंट बुक करा सकता हूँ। जी हाँ बिल्कुल आप बुक करा सकते हैं, बट आपके पास डिटेल होना अनिवार्य है, जैसे पासपोर्ट और वीज़ा की। क्या मैं अपना अपॉइंटमेंट का जो डेट है उसको रिशेड्यूल कर सकता हूँ। ऑफकोर्स कर सकते हैं, वो रिशेड्यूल आप कर सकते हैं, बट आप अपने रिक्रूटर जिन्होंने बुक करा उन्हें बताइए, वो आपका जो डेट है उनको रिशेड्यूल कर देंगे। दोस्तों आप एक आया हमारे पास QVC टेस्ट किन किन लोगों के लिए मान्य होता है, तो दोस्तों इनमें सबके लिए मान्य है, जो वर्क वीज़ा के लिए वहाँ पे जा रहे हैं, जो नौकरी करने के पर्पज से जा रहे हैं उनके लिए मान्य है। कई बार होता है ना आपका फैमिली भी आपके साथ जा, फैमिली वीज़ा भी आपको प्रोवाइड कर देता है कंपनी, अगर आप अच्छे पद पे जा रहे होते हो तो। सॉरी दोस्तों, इस कैटेगरी में दो आदमी को छोड़ दिया जाता है, 6 साल से कम उम्र के अगर बच्चे हैं तो उनके लिए छूट है, और 80 साल से ज़्यादा उम्र के जो बुज़ुर्ग हैं उनको छूट दिया जाता है QVC से, और तीसरा एम्बेसडर जो देश का राजनयिक होता है उनके लिए ये छूट है QVC से। QVC में आप QVC टेस्ट के लिए जा रहे होते तो कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो दोस्तों ओरिजिनल पासपोर्ट आपको ले जाना है, QVC अपॉइंटमेंट लेटर जो आपको मिला होता है वो ले जाना अनिवार्य है, फ़ोटो ले जाना अनिवार्य है, और पासपोर्ट ओरिजिनल तो मैंने बताया था, और बस यही ले जाना अनिवार्य है, एक आधार कार्ड अपना ले जाना है, ये ज़रूरी है दोस्तों। हाँ दोस्तों, अब एक क्वेश्चन आ रखा था कि QVC टेस्ट सेंटर कहाँ कहाँ उपलब्ध है इंडिया में, दोस्तों QVC टेस्ट सेंटर टोटल 8 उपलब्ध है इंडिया में, मुंबई में है, दिल्ली में है, और लखनऊ और एक मिनट, चेन्नई, हैदराबाद, कोचिन, कोलकाता, ये सारी जगह पे QVC सेंटर उपलब्ध है। फ्यूचर में कुछ नया खुलेगा तो उसको मैं अपडेट कर दूंगा आपको। दोस्तों आशा करता हूँ आज का बनाया गया वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हमारा दुबई विजिट वीज़ा के लिए आने वाला है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं कि क्या जानना है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।